सब पीपल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं। इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से आपसे बातें करके, रिएक्ट करके, और फिर जब मैं एडिट पर बैठा तो वीडियो मिला ही नहीं। और फिर मुझे ख्याल आया कि शायद हमने प्ले का बटन ऑन ही नहीं किया था रिकॉर्ड का। बहरहाल ओके, हम फिर से बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है वो फर्स्ट हैंड वाला रिएक्शन तो नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें फिर स्किप की हैं और कट की हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लगा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है कि पहले भाई फिर अब्बा का जमाई। तो ये आप इसको डायरेक्टली रेफ़र किया जा रहा है कज़न मैरिज के साथ, और आप देखते हैं आपने कज़न मैरिज के अलावा भी आप अपने क्लास फेलोज़ या इर्द गिर्द देखते होंगे कि कुछ हरामी लौंडे ऐसे होते हैं, वो पहले बहन बनाते हैं, फिर दोस्त बनाते हैं, फिर बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, और फिर एक दिन खबर आती है शादी होगी। तो हम उनको यही कहते थे जब हमारे सर्कल में इस तरह का एक था नौजवान, तो हम उसको ये कहते थे तू बड़ा बीसी बंद है वैसे शुरुआत ही बहन से करते हैं बना के और हेलो हाय करके। तो बहरहाल वीडियो को देखते हैं और फिर मज़ीद बातें करेंगे। अब की बार मैंने प्ले किया हुआ है, तो शुरू करते हैं 3, 2, 1 को। ये मुल्क 27 रमजान को अल्लाह ताला ने इस कौम को तोहफे में दिया। तेरा तो गेम बचा ओके और हमने तोहफा बर्बाद कर दिया। ये बात खुले अल्फाज में माइक पर कही, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं अपने कैबिनेट का जिन्ना को चपरासी भी बनने नहीं दूंगा। गजब बेइज्जती है। अच्छा ये नेहरू भाई को क्या हुआ? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। A few moments later, पाकिस्तान खुदा ना ख्वास्ता खंडरात में तब्दील हो सकता है। कहना क्या चाहते हो? उन्होंने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए कि बहनों से शादी कर लेते हैं ये मोसले। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। ना इसका सो कॉल्ड कजन को बहन ही कहते हैं। क्या कर लेते हैं? बहनों से शादी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कजन से मैरिज का रिवाज सिर्फ किस में है? इस्लाम। लानत है तुम लोग पे, लानत। भाई जान पर्सनल ओपिनियन नहीं करना चाहिए, बड़े मसले हो जाते हैं। जवानी तक भाई जान बोलते हैं और फिर अचानक से भाई हटा करके जान में रुक जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मैं सोचती हूँ मुझे अभी भी हंसी आती है। क्या बात है, किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है, तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। मस्त प्लान है। तो मुझे मत क्या करो यार, मेडिकली भी और जी बहन में भी। हाँ जी 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 मौलाना जी 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 वाह भाई वाह। मौलाना जो है ना वो बैग के अंदर क्या पता था कि मेरे हमसफर बन जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। इसलिए कि इससे रिश्तेदारी क्या होती है मजबूत। लेकिन एक सेकंड, कजन जब आपके घर में आया करें पतली गली से ये क्या हो गया? दीन का बकायदा तमस्कर बनाया हुआ है। नहीं यार बोले दफा हो गया। इसकी सोच वहीं अटकी हुई है, कजन मैरिज और आपको शर्म भी नहीं आती यकीन जानिए। और मेडिकल रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी, यूं हो जाता है बच्चा बगैर टांग के पैदा होता है तो अंधा काला पैदा होता है। तो है थैलेसेमिया तो फैक्ट है। लोगों को बुलाते हो खत्मे नबुवत कॉन्फ्रेंस के नाम पर और उसके बाद आ जाते हो अपने मकसद। सलमानों में तो कजनों से ही शादियां होती आ रही हैं। इस मुल्क के ठेकेदार नहीं हो आप लोग। कितने लंगड़े पैदा हो गए। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। yes! एक रिसर्च भी है कि आपकी जो कजन मैरिजेज हैं इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कजन है उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज्यादा आते हैं जो कजन मैरिजेज में। आप पर हमें एतराज है। मगर क्यों? कि आप जो सगी बहन नहीं है उसको किस बेस पे आपने बहन करार दे दिया? अबे साले मौलाना ने वरना तो सारी कौम की सारी औरतें बहन है ना। किस किस्म के मौलाना है भाई साहब? मैं गैर मुस्लिमों से पूछता हूँ, क्या कजन के बारे में वही जज्बात होते हैं जो सगी बहन के बारे में है? भोसड़ी के बाप। कितने लोग मौलाना आपका नाम जानते होंगे, उनको पता होगा कि मौलाना साहब का क्या नाम है। यकीन जानिए वो पाक भारत टाकरा देखते हैं, वो डॉक्टर फिजा को आपसे ज्यादा जानते होंगे। ओए होए, आज तो फिजा अपनी तारीफ कर रही है। समझिएगा फिर भी कोई हुक्म पर अमल नहीं करता। तुम हो कौन भाई साहब? सगी बहन के बारे में इंसान के जज्बात वो बनते ही नहीं है। मान रहे मौलाना के लोग उसकी बात नहीं सुनते, फिर बोल रहे। आपके पास सिवाय मजहब के कार्ड के और
कुछ भी नहीं बचा। कोई बहुत ही बेशरम हो तो एक अलग बात है, फितरत से हटा हुआ। आज आप मुझे बताएं कि आप किसके एजेंडे पर काम करें। सगी बहन से कभी इश्क नहीं होता, कजनों से इश्क तो वाकयात की दास्तानें भरी हुई हैं। जाहिल, आप लोग सिर्फ एक कजन मैरिज पर अटके हुए हैं। यहाँ अश्लीलता की हद नहीं है, यहाँ अश्लीलता की हदें पार की गई। तंबू भी लगा सकते हो। कितने वाकयात है कजन पे आशिक हो गया, कजन कजन पे। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जिस दिन नाजिया अल्लाही खान का जुबान खुल गया ना, उस दिन मैं धज्जियां उड़ा दूंगी। और कजन कह रहा है मैं शादी वादी नहीं करूंगा। सही कह रहे, बस चस्के ले रहा है। आपके मदरसे के जो मासूम बच्चे हैं उनके पीछे छुप रहे होते हैं लिटरली। उन मासूम बच्चों के अपने। तो वीडियो हमने देखा यार, एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बात करूंगा कि इस वीडियो से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं मौलाना की फ्रस्ट्रेशन से कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड अब शुरू हो चुका है कि लोग कजन मैरिज को प्रेफर नहीं करते। बहुत सारी वजह है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैरिज से पहले आप करते हैं एंगेजमेंट, और ड्यूरिंग एंगेजमेंट कुछ ऊंच नीच हो जाए, या चलो शादी भी हो गई और फिर आगे मामला सही नहीं चले एंड लड़ाई झगड़ा एंड डाइवोर्स वाले सीन बने, तो वो जो आपकी रिश्तेदारी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो भाई साहब कह रहे थे ना कि ख़ानदान मजबूत होता है, मुझे लगता है कज़न मैरिज से ख़ानदान और कमज़ोर होता है। और उसके अलावा मेडिकली जो अगर आप देखें तो थैलेसेमिया है, जेनेटिक म्यूटेशन है, इसके अलावा जो आप कह लें फर्टिलिटी डिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और हाई चांसेस होते हैं, हाई रिस्क होते हैं। तो अब तो मतलब लोग समझ रहे हैं और लोगों ने ये चीज़ देखी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोग इस चीज़ से दूर हो रहे हैं कज़न मैरिज से, और लोग प्रेफर करते हैं कि जब नया ख़ानदान होगा, नए लोग होंगे तो मामला ज़्यादा अच्छे चलेंगे। और ये चीज़ इन मौलाना लोगों को तंग कर रही है कि लोग क्यों प्रेफर नहीं कर रहे अब कज़न मैरिज। उसकी फ्रस्ट्रेशन की इंतहा आप दे सकते हैं वीडियो में कि वो कह रहा है भाई लोग मानते नहीं है। भाई लोग तुम्हारी बात क्यों माने, तुमने अपनी कज़नों के साथ तो की सो की, अब तुम लोगों को भी तरगीब दे रहे हो। और वो बीच में बहुत सारे फ़नी एलिमेंट्स भी चल रहे थे, जैसे वो सना खान थी ना, एक्ट्रेस होती थी किसी ज़माने में, तो बिग बॉस में भी आई थी शायद। तो मतलब ठीक है, उसका किसी मौलाना से हुआ। और आप एक जेनेरिक टर्म में देखें ना कि कोई अनजान लड़की आपको मिले या आप उसकी मदद करें या आपसे बात करें, तो आप या मैम कहते हैं या मैडम कहते हैं या फिर बहन ही कहते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं वो नहीं बहन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप किसी पॉइंट पर जाके अब वो मामला दूसरे हो जाएं तो फिर लोग हंसते ही हैं कि तू मुझे एक टाइम पर बहन कहता था, बड़ा पीसी है तू। तो वो भी यही कुछ कह रही थी। और मुझे नहीं पता मौलाना के साथ इसकी सेटिंग कैसे होगी, ये कैसे पट गई। बहरहाल मौलाना के पाप कोई होगा स्पेशल तबीज़ तूज़, हम उस पर नहीं जाते। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि एक है यार, अब लोग ये चीज़ समझ रहे हैं और मीडिया भी इस पर बात कर रहे हैं कज़न मैरिजेस पे, और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है। हम ओवरनाइट तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो बहरहाल आप क्या कहेंगे इस पर, हम तो यही कहते हैं कज़न मैरिज ना ही हो तो बेहतर है। बाकी अब मौलाना लोग क्या कहते हैं या लोग क्या कहते हैं उसका हम ठेका नहीं उठा के बैठे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।